तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स कोई आईपीएस अधिकारी नहीं बल्कि बलात्कार का आरोपी है। लेकिन शर्म की बात तो देखिए, पुलिस आरोपी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलती है। जिले इलाही को इतनी इज्जत के साथ बैठाया जाता है मानो वो बलात्कार के आरोपी नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करने वाले ओलंपिक खिलाड़ी हो। तो वहीं रेप पीड़िता रो रो कर अपने साथ हुई खौफनाक हरकत की दुहाई देती है जिसकी कई दिनों तक सुनवाई भी नहीं होती। एक ऐसा ही मामला बहराइच जिले में देखने को मिला है जिसने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवालिया निशान लगा दिया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। तस्वीरों में दिख रहे जिले इलाही का नाम हरि गुप्ता है। हरि गुप्ता बहराइच से बीजेपी नगर उपाध्यक्ष हैं और इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने ही क्षेत्र की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया है जिसमें इनके दोस्त पवन पाल भी शामिल हैं। फिलहाल हरि गुप्ता और उनके साथी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन थाने में उसे जो इज्जत बख्शी गई उससे हर कोई हैरान है। अब जरा पीड़िता के हालात देखिए। मेरे भाई, मेरे बुआ जी सब लोग हत्या करने की चाल से हम लोग कहा जाए, हम लोग सुसाइड करने के बोर्ड पे आ गए सर, हम लोग की मदद के लिए। एक तरफ इंसाफ के लिए पीड़िता बिलख रही है तो वहीं दूसरी तरफ थाने में जिले इलाही को इतनी इज्जत से नवाजा जा रहा है। नहीं करेंगे तो हम लोग सब नहीं बैठेंगे, हम लोग खुद ही जला लेंगे, तो हम सब कहां जाएंगे, सुनने के लिए हमारी तैयारी ही नहीं है। दरअसल नाबालिग पीड़िता की माने तो वो बहराइच में रिसिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है जिसके साथ बहला फुसला कर भाजपा नगर उपाध्यक्ष हरि गुप्ता ने अपने दोस्त पवन पाल के साथ मिलकर बहराइच के मिहीपुरवा विकास खंड के पलड़िया में रेप किया और जान से मारने की धमकी देते हुए मुंह बंद रखने की हिदायत दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब पीड़िता अपने साथ हुई खौफनाक हरकत की दुहाई लेकर थाने पहुंची, जहां नेता के रसूख के आगे पुलिस भी नतमस्तक हो गई और मुकदमा लिखे बगैर ही पीड़िता को भगा दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने मौसी की मदद से लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद पीड़िता अपनी मौसी के साथ सांसद और MLC के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जा पहुंची और रो रो कर अपने साथ हुई हरकत की गवाही देने लगी। सर, मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मैं यहाँ प्रज्ञा बहन से मिलने आई हूँ। सर, इतना दबाव था भाजपा नेताओं का कि सर मेरा पहियार यहाँ रिश्ता थाने में नहीं हुआ, हम लोग पहले लखनऊ से पहियार करवा के विवेचना के तौर पर यहाँ आए। सर, इतना दबाव है हम लोग के ऊपर कि मेरे अब हम लोग का जीना वो हुआ है। सर, कल विवेचना के लिए हम लोग जा रहे थे, वहाँ भी हम लोग के पीछे दोनों लोग पड़े थे। हरि गुप्ता ये नगर उपाध्यक्ष है भाजपा के नेता और पवन पाल। लड़की की बात सुनकर खुद बीजेपी सांसद अक्षय वरलाल गौड़ भी तिलमिला उठे। उन्होंने तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार करने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने आरोपी बीजेपी नगर उपाध्यक्ष हरि गुप्ता और उसके साथी पवन को दबोच लिया। लेकिन थाने में उन्हें जो सम्मान दिया गया वो किसी आम आरोपी को मिलना कतई नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी से पहले ही आरोपी हरि गुप्ता ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जिसमें वो खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। मैं हरि गुप्ता नगर उपाध्यक्ष भाजपा बेकसूर हूँ, मेरे ऊपर जो चार्ज लगाए गए निराधार है और वो लड़की हमसे FIR से पहले भी एक लड़के पे एलिगेशन लगा चुकी है इसी का। ये एक धंधे वाली औरत है और इसका काम ये है कि ऐसे लोगों को फंसा के और धन वसूली कर दी, जबकि मैंने इसको खुद महिला थाना फ़ोन करके
और इसको महिला थाना भेजा था। ये लड़की कोर्ट मैरिज पवन पाल के साथ कोर्ट मैरिज करने के बहाने आई थी, जबकि कोर्ट मैरिज पवन पाल को की शादीशुदा था, इसलिए मैंने समझा बुझा के ठीक है भेज दिया। और ये चूंकि वो और मेरे पास एलिगेशन सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि मैं पवन पाल का मददगार था। अब इस मामले में कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह, इसका फैसला तो कोर्ट में होगा। यह खबर हमारे संवाददाता राजेश कुमार चौहान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।